पांच व्रत होते हैं पशुपति व्रतनाथ। सुबह के समय पर पूजन की थाली लगाइए, चंदन अबीर गुलाल हल्दी आदि जो भी सामग्री आप पूजन की रखते हो वो रखो, जल का पात्र पंचामृत सामग्री अभिषेक के लिए सब ले जाओ, शिव जी का अभिषेक पूजन मंदिर में जाकर करें। पशुपति व्रत घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके पूजन का वर्णन नहीं है, जिस शिवलिंग पर सबकी दृष्टि पड़ती हो उस शिवलिंग का वर्णन, मतलब मंदिर का शिवलिंग। माँ पर अभिषेक पूजन कर दिया, सुबह के समय पर भी दिया लगाकर अभिषेक पूजन कर कर आप जो आए अगरबत्ती आदि जो भी लगाया आपका भाव धूप बत्ती वगैरह जो भी लगाया वापिस आए उस थाली को संभाल कर रख दीजिए। शाम के समय पर वही थाली वापिस लेकर जाना। उसमें कितने दिए जाएंगे? 6 दीप। प्रसाद जाएगा घर से 3 हिस्से कर कर भोग लेकर मत जाना। जो मीठा लेकर जाओगे उसके 3 हिस्से शिव जी के सामने ही जाकर करना है। आपको अलग से लेकर अलग 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 डब्बे में नहीं जाना, 3 हिस्से आप अलग अलग कर कर नहीं ले जाए। बाबा की वापिस वही पूजन, बेलपत्री समर्पण, प्रसाद के 3 भाग। पहला दिया, 5 दिए मंदिर के अंदर लगना है, 5ों दियों को सामने रख लो। पहला दिया जब लगाओ मन में कामना कर लेना कि किस लिए पशुपति व्रत कर रहे, कौन से दिए पर? पहला दिया। किसी भी दिए से अलग से बाती लेकर नहीं लगाना। आप माचिस लेकर खुद की जाइए, खुद का घृत लेकर जाओ, खुद के दीप लेकर जाओ। किसी के दिए में भी बत्ती लगकर मत जला कर आना। मट्टी के दिए नहीं हो तो आटे के दिए बना कर ले जाओ, पर अपने दिए लेकर जाना, अपने दीप लेकर जाना। पहला दिया लगाओ, कामना कर कर लगाइए, 5ों दियों को लगा दीजिए। बाबा की पूजा अर्चना कर कर निवेदन कर लेना, बाबा पशुपति व्रतनाथ व्रत कर रही हूँ शिव महापुराण के अनुसार, सुना है मैंने आप दुनिया के दुख को हरते हो बाबा, मेरा भी एक कष्ट है, आपके चरणों में आज निवेदन कर रहे हैं। विनती कर कर 5ों दियों को लगाकर प्रसाद का 2 भाग मंदिर में छोड़कर 1 दिया बिना जला थाली में रखकर भाग रखकर प्रसाद का 1 भाग लेकर शिव मंदिर से वापस निकलकर अपने दरवाजे पर पहुंचिए। दरवाजे के राइट भाग में प्रवेश करने से पहले दिया लगा दीजिए। 1 कामना वहां करी है, 2री कामना अपने दरवाजे पर पहला दिया जब लगाओगे वहां कर लीजिए। प्रसाद अंदर लेकर जाइए घर में। भोजन करने जब बैठो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को पाइए। अपने हिस्से का प्रसाद जो 1 भाग लेकर आए हो वो किसी को नहीं देना है, जिसका व्रत है वही करेगा। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, पति और पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली भी 2 जाएगी और दीप भी अलग अलग जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही थाली ले चले अपन दोनों कर कर आ जाएंगे, दिए अलग अलग ले जाए, नहीं नहीं थाली भी 2 जाएगी। पशुपति व्रत करें, 1 दिया दरवाजे के पास लगाएं राइट हैंड में, बाबा से निवेदन कर कर विनती कर लें। 5 व्रत जब पूरे हों, 1 ही मंदिर में करना है, ये नहीं कि कभी इस मंदिर में कर लिया कभी उस मंदिर में कर लिया, 5ों व्रत 1 ही मंदिर। 5वां व्रत विराम पर हो, शाम के समय जब पूजन करने के लिए जाएं, 108 बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या मूंग का दाना हो जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, 108 कोई भी वस्तु बाबा को समर्पित कर दें, भले वो पुष्प क्यों ना चावल क्यों ना। 1 श्रीफल कामना कर कर 11 रुपये रखकर मंदिर में बाबा को देख कर आए, निवेदन कर कर आए, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि मेरे कार्य सफल हो, निवेदन कर कर वापिस सजाएं। 5वें व्रत को पूर्ण जब करोगे तो 5वें व्रत में ही समापन पर ही आपको 108 बेलपत्र फूल चावल मूंग जो आपके घर में जो मौजूद हो वो आप चढ़ा दीजिए, जो आपके पास में हो वो बाबा को समर्पित।